ओके गाइस, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप बहुत ही सही दिशा में हैं। और आज हम गाइस यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलेबस सैलरी क्वालिफिकेशन ऑफ कैटरिंग असिस्टेंट। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, उसकी सैलरी, उसकी क्वालिफिकेशन एंड उसका एक्सपीरियंस प्लस उसका स्टडी मटेरियल। ऑलराइट, इंडिया में ऑलमोस्ट 650 नवोदय विद्यालय स्कूल हैं ऑलरेडी, और भी खुलने के भी सैंक्शन हो चुके हैं जो खुलेंगे। ओके ओके गाइस, कैटरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट कोड है वो है 10। बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है, इसका पे स्केल बहुत अच्छा है, आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग 25,500 रहने वाली है और ये आपकी बढ़ते बढ़ते 81,100 तक जाने वाली है अकॉर्डिंग टू लेवल 4 इन द पे मैट्रिक्स। ओके, 35 ईयर्स तक जिसकी एज है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, बहुत अच्छी जॉब है, आप समझ लो कि नवोदय विद्यालय में जितने भी मेस हैं उनके आप हेड होने वाले हैं, आप उसके इंचार्ज होंगे। ओके, कैटरिंग असिस्टेंट एक पोस्ट का नाम है ना। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इसमें? क्वालिफिकेशन गाइज इसमें ये है कि मैट्रिक तो होना ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। ओके, लेकिन उसके बाद भी आपके पास क्या चाहिए, है ना, ये और ये तो है, मतलब ये होना ही चाहिए। इसके आगे और लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री भी बोल सकते हैं, है ना, कैटरिंग में होना चाहिए या होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए। जिसके पास ये डिग्री है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, तो जिसके पास डिग्री है ऑफकोर्स उसके पास प्लस टू भी होगा। तो इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, आपकी 10+2 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 साल का डिग्री या डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से आपका वो कंप्लीट होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, प्लस जो प्लस टू में गाइज रहते हैं जिनका CBSE बोर्ड में कई जगह पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखें CBSE का प्लस टू फ्रॉम CBSE लिखा है स्पेसिफिकली, एंड होटल मैनेजमेंट चाहिए इसमें एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट। ओके, और उसके साथ आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, जिसके पास ये है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, या फिर जिसके पास प्लस टू की मार्कशीट है, प्लस टू उसने पास कर ली है ना, और उसके साथ उसने किया है 1 साल का डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। ओके, तो गाइज यहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है प्लस टू के बाद वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब वो डिप्लोमा आपका चाहे F&B सर्विस में हो, चाहे आपका प्रोडक्शन में हो, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो आपका जो जैसे IHM में बच्चे पढ़ते हैं, जो BSc जो डिप्लोमा करते हैं फूड एंड बेवरेज में या फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा करते हैं, वो भी गाइज इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बशर्ते यहाँ पे आपके पास 3 साल का एक होटल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, तो प्लस टू प्लस डिप्लोमा प्लस 3 साल का होटल का एक्सपीरियंस, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और चौथी जो इन्होंने ऑप्शन दी है वो दी है ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 10 इयर्स ऑफ सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज। ओके, ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है ना। तो किसी ने अगर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कर रखा है ना, और उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस में, रेगुलर बेस पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो गाइज वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, 87 वैकेंसीज निकल के आई हैं और इनकी जो पोस्टिंग रहेगी वो पूरे इंडिया में किसी भी नवोदय विद्यालय में गाइज हो सकती है। तो ये तो हो गया आपका पोस्ट के बारे में, इसका कोड क्या है, इसका सैलरी क्या है, इसका एज लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। ओके गाइस, सिंगल लेवल टेस्ट है, मींस आपको जस्ट रिटर्न देना है। अगर रिटर्न में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके बाद आपका इसमें स्किल टेस्ट इन्होंने मेंशन गाइज नहीं किया है। ओके, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस क्या है आपका इस पोस्ट के लिए, कैटरिंग असिस्टेंट का जो एग्जाम होना है इसका पोस्ट कोड 10 है गाइस, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है ना। सिलेबस गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो आपका पार्ट 1 है वो है रीजनिंग एबिलिटी। ओके, यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और उसके बाद आपका पार्ट 2 है, यहाँ से ये जनरल अवेयरनेस है, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आएंगे। ओके, पार्ट 3 गाइज यहाँ पे आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, मीन्स हिंदी इंग्लिश, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के।
और आपके 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के. ओके, ये भी हो गया. फोर्थ पार्ट है आपका गाइस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर ऑपरेशन. 10 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं. बेसिक कंप्यूटर जो ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे कि सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, एएलयू क्या है, वगैरह वगैरह. और लास्ट जो मेन आपका यहाँ पे है गाइस, जहां से 50% क्वेश्चंस आपके इस पार्ट से आने वाले हैं, जो कि फिफ्थ पार्ट है, जिसका उन्होंने नाम दिया है डोमेन प्रोफेशनल या डोमेन प्रोफेशन नॉलेज. क्या है ये एक्चुअली यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे प्रोडक्शन से, सर्विस से, जो आपका मेनली कैटरिंग क्या है, आप किचन में काम करेंगे, तो किचन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. अब वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके हो सकते हैं फूड है ना, हाइजीन, न्यूट्रिशन, इंडियन फूड रेसिपीज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं गाइस जो यहाँ से आने वाले हैं. टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन आएंगे और गाइस यहाँ भी आपको मिलने वाला है 2.5 आवर्स. तो अगर हम इनको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये आपके बन जाएंगे 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने रहेंगे. बहुत आराम से आप कर सकते हैं. ओके, आपका जो टाइम इसमें लगेगा वो सिर्फ रीजनिंग में लगेगा उनको सॉल्व करने में. बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो क्लिक ऑफ माइंड पे हैं आपके. आपने से क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता होगा, आप उस टाइम कर देंगे. ओके, रीजनिंग में थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. गाइस जितना भी आपका सिलेबस है इन सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर के साथ उनको एक्सप्लेन किया गया है. इन सभी के आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे मिलने वाले हैं. मॉक टेस्ट जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं जैसा कि आपका नवोदय विद्यालय एग्जाम लेने वाला है कंप्यूटर पे. ओके, जिस सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न है. तो उन मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो हाथ है गाइस बहुत अच्छा सेट हो जाएगा. आप जब जिस दिन एग्जाम देने जाओगे तो कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है. ओके ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं इसका स्टडी मटेरियल आपको कहां से मिलेगा. तो जी हां गाइस, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा मेरी ऐप पे, जिसका नाम है राणा एजुकेशन ऐप. और ये उस ऐप का, ये मैंने अभी मोबाइल फोन पे खोला हुआ है, ये मेरी ऐप का लैंडिंग पेज है गाइस. ओके गाइस, इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ओके, इसमें कोर्स को कैसे ढूंढना है, ये सब इसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है. उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं गाइस. तो जैसे आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम राणा एजुकेशन है, उसको खोलेंगे तो इसका फ्रंट पेज है गाइस. यहाँ पे आपने जाना है, आपको बॉटम में दिख रहा होगा होम बैचेज स्टोर, आप जाएंगे स्टोर पे. ओके गाइस, स्टोर में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कुछ आइकन बने हुए हैं, होटल मैनेजमेंट है, NCHMCT है, देन NTUGC नेट है, उसके साथ लिखा है गवर्नमेंट जॉब. आप क्लिक करेंगे गवर्नमेंट जॉब वाले आइकन पे. ओके तो गाइस, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब वाले पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे दो कोर्सेज खोलने वाले हैं गाइस. ओके, एक तो है मैस हेल्पर का और एक है फर्स्ट वाला कैटरिंग असिस्टेंट का. आप इसे ओपन करेंगे गाइस, आप जैसे इसे ओपन करेंगे पूरा कंटेंट आपके सामने खुल जाएगा. ओके, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रीड मोर, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आपको मिलेगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है. तो गाइज इसमें आपको मिलेगा सभी टॉपिक्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज, ओके, MCQs बहुत सारे, है ना, एंड लाइव क्लासेस. अगर हमारा बैच बन जाता है, एडमिशन इसमें ठीक ठाक हो जाती है, तो इसका लाइव बैच भी गाइज हम चलाएंगे. ओके, तो गाइज ये आपका कोर्स है, यहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है. मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर कंटेंट आपको दिख रहा होगा. कंटेंट पे आप जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट आइकन है मोटिवेशन ओपनिंग, देन है सैलरी क्वालिफिकेशन, देन है सिलेबस, देन है स्टडी मटेरियल. ओके, और लास्ट में है मंथ वाइज जीके. तो गाइज यहाँ पे इन सभी फोल्डर्स में ऑलरेडी वीडियोज मॉक टेस्ट बने हुए हैं. मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको बाद में आराम से देख सकते हैं. यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्टडी मटेरियल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नोट्स आपको दिए गए हैं. फर्स्ट है रीजनिंग, देन है जनरल अवेयरनेस, देन है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, देन है कंप्यूटर नॉलेज, और लास्ट में है डोमेन प्रोफेशनल और सब्जेक्ट नॉलेज. ओके, जैसे रीजनिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो वीडियो एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं जहाँ पे रीजनिंग के हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है. इन वीडियोज को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. वापिस मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास गाइस बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं रीजनिंग के टॉपिक वाइज. ओके, आप देखेंगे यहाँ पे 61 मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हैं. अगर आप इनको लगाइएगा तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस गाइस होने वाली है ना. मॉक टेस्ट का डेमो, मॉक टेस्ट कैसे होता है उसका डेमो भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. प्लस इस ऐप के होम पेज पे ही आपको वहां पे फ्री मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे दिख जाएंगे. तो आप उनको लगा के ये आइडिया लगा सकते हैं कि मॉक टेस्ट आपको कैसे मिलने वाले हैं. ओके,
वैसे आपका देखो लास्ट आइकन है डोमेन प्रोफेशनल, जो आपका, क्योंकि यहाँ से आपके 60 क्वेश्चंस आने हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो गाइज यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देखो, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फूड साइंस के, न्यूट्रिशन के मॉक टेस्ट हैं, फूड प्रोडक्शन के हैं, फूड हाइजीन के हैं, इंडियन फूड स्वीट्स के हैं, और इसमें मॉक टेस्ट लगातार ऐड होते रहेंगे टिल योर एग्जाम डेट। ओके गाइज, तो एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए बनाया है, बहुत ही मेहनत से गाइज ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, प्लस गाइज इसमें अभी प्रीवियस ईयर के पेपर भी ऐड होने हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो भी गाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करेंगे। ओके, आप जैसे कोर्स को गाइज ओपन करते हैं, यहाँ पे लास्ट में लिखा है बाय नाउ, सिर्फ इसका प्राइस रखा गया है 999 रुपए, ओनली 999 रुपए टिल एग्जाम, आपके एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और 999 में गाइज आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सारा स्टडी मटेरियल आपके, आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय नाउ फॉर 999, उसके बाद ही आपसे आपकी स्टेट पूछेगा, जैसे मेरी स्टेट हिमाचल प्रदेश है तो मैं यहाँ पे हिमाचल पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, देन यू विल प्रोसीड टू पेमेंट, और यहाँ पे जो पेमेंट का गेटवे है गाइज वो आपके सामने खुल जाएगा। आप कार्ड से पे कर सकते हैं, आप वॉलेट से कर सकते हैं, आप किसी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जो भी आपकी जिस भी ऑप्शन से आप पे करना चाहें गाइज आप उससे पे कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप इस कोर्स में ऐड हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, ओके, लाइक करिए, एंड अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो गाइज आप उन लोगों को जानते होंगे जिनकी डिग्री हो चुकी है बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, ओके, या बीएससी एचएनएचए, उनको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब का मामला है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से फॉर्म भरें, कहाँ से इसकी स्टडी करें। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Oh.